बिहार में नौकरी तलाश रहे युवाओं के लिए खुशखबरी, पटना महावीर मंदिर में नौकरी करने के लिए मिल रहा है मौका, युवाओं से मांगी जा रही है आवेदन। अगर आप भी पटना में रहते हैं और पटना में रहकर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस खबर को आपको पूरी तरीके से जरूर देख लेनी चाहिए, क्योंकि इस खबर में हम आपको बताएंगे महावीर मंदिर में नौकरी के लिए आवेदन निकाले गए हैं इसकी पूरी प्रक्रिया। अगर आप राजधानी पटना में रहते हैं और आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए महावीर मंदिर में नौकरी करने का सुनहरा अवसर है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वह कौन कौन पद है जहां पर आप आवेदन दे सकते हैं। महावीर मंदिर के आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि बुकिंग काउंटर, सेल्समैन, असिस्टेंट सेल्समैन सहित कई पदों के लिए नियुक्ति महावीर मंदिर के तरफ से निकाली गई है। वहीं असिस्टेंट सेल्समैन के पद के लिए अभ्यर्थी के पास प्रतिष्ठित या बड़े बुक स्टोर काउंटर से सेल्समैन के रूप में 2 से 3 साल का कार्य अनुभव के साथ इंटरमीडिएट की डिग्री होनी चाहिए। धार्मिक पुस्तक या पूजा सामग्री या रत्न भंडार या भंडारा में काम करने की अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को विशेष वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा महावीर मंदिर के इन पदों पर अप्लाई करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। चलिए आवेदन करने की प्रक्रिया को जानते हैं। आवेदक रिक्त आवेदन पत्र डाउनलोड कर प्रिंट कर ले और अपनी लिखावट में काले बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें। आवेदन पत्र भरे और नीचे दिए गए दूसरे चरण में अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करें। पूरी आवेदन पत्र भरने के बाद उसे अपलोड करें। भरे हुए फॉर्म को अपलोड कर सबमिट करें। इसके बाद आप अपना मूल विवरण भरें और अंतिम आवेदन पत्र प्रिंट करें। आवेदन पत्र पर सारी सूचना भरकर आप ऑनलाइन महावीर मंदिर @gmail.com पर जाकर या डाक पते से भी आप इसकी सूचना मेल कर दें। इन सभी पदों के लिए अगर योग्यता की बात करें तो आपको बता दूं कि बुक स्टोर सेल्समैन के पदों के आवेदन के लिए अभ्यर्थी के पास किसी भी प्रतिष्ठित या बुक स्टोर में काउंटर सेल्समैन के रूप में 5 वर्षों के कार्य अनुभव के साथ स्नातक या किसी भी बुक स्टोर में काउंटर सेल्समैन के रूप में 8 वर्ष के कार्य अनुभव के साथ इंटरमीडिएट समकक्ष योग्यता चाहिए होगी। इन पदों के लिए धार्मिक पुस्तक भंडार कार्य करने की अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को विशेष वरीयता दी जाएगी। इसके अलावा अगर आपको इससे जुड़ी हुई अधिक जानकारी चाहिए तो आप महावीर मंदिर patna.org पर जाकर इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ आवेदन करने की 27 दिसंबर तक अंतिम तिथि रखी गई है।